हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम निकल चुके हैं अपने जानवर को ढूंढने, क्योंकि आज वो आया नहीं है इस बारिश के कारण। तो हमें जाना पड़ेगा जंगल बैल ढूंढने। तो फिर मिलते हैं आगे, बैल जंगल जाकर मिलते हैं। तो आप देखें, बारिश आ चुका है। अब मुझे लगाना पड़ेगा छतरी और छाता लगा के हम पड़ेंगे आगे जंगल की ओर जानवर को ढूंढने। चुके हैं जहाँ पे हमारा जानवर चरता है, पर इस मैदान में यदि कहीं जानवर नहीं दिखा है तो हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ हमारा जानवर तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। गोवा बीच हम पहुँच गए हैं। गोवा बीच दिखता होगा आप लोगों को। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल घने जंगल में। देखते हैं हमारा बैल मिलता या नहीं मिलता। बहुत दूर आना पड़ता है घर से बैल। जंगल में बहुत जंगली जानवर भी है, उनसे भी बच के रहना है हम लोगों को। वीडियो तो बने रहो भाई साहब, बहुत दूर जाना है बैल में। तो जंगल में एक साइड नाला भी है, मुझे लगता है इधर भी देख लेना चाहिए। तो हम जा रहे हैं नाले की ओर। सांप बाबा ना दिख जाए हम लोग यहाँ पे। मुझे पानी देखते ही लग गया प्यास। ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, बहता हुआ पानी जो इस नाले में आता है। मैं देखता हूँ पी के और बताता हूँ आप लोगों को ये टेस्ट। वाह, बहुत शुद्ध और मस्त पानी था। चलिए आप कमेंट में बताएं जरूर कि आपने ऐसा पानी पिया या नहीं पिया। तो आप देखिए कितना मतलब कुदरत का करिश्मा है। आप देखिए कैसा कैसा मतलब है, डरावना डरावना जगह भी है। अब यहाँ पे डर भी लगता है क्योंकि ये बहुत अंदर है जंगल के अंदर, बहुत ऊँचे आ चुके हैं। ये नाला है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिल जाए तो मिल जाए, वरना फिर हम लोगों को इसी नाले से निकलना पड़ेगा घर का, क्योंकि इस नाले से भी हमारा घर का रास्ता निकला है। तो जानवर तो मिला नहीं हम लोगों को। अब बना लेते हैं वीडियो जो आप लोगों को शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और अब पानी मिल चुका है यहाँ भी, तो हम लोग पैर हाथ धो लेते हैं पहले। तो हम पैर हाथ धोते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो नाला हम लोगों को हो गया ख़त्म। देखते हैं घर पे अगर आया होगा तो आया होगा जानवर, वरना फिर हम लोगों को कल पड़ेगा। चलते हैं घर की ओर। मछली वाला तालाब, चलो इसे भी देख लेते हैं। झारखंड बिहार का ना यही एक खूबी है, मतलब मस्त हरा भरा रहेगा जो कि आप लोगों को शहरों में नहीं मिलेगा। तालाब में मछलियाँ पल रहे हैं, जिसमें मतलब एक साल के बाद ही मछलियाँ निकल जाए। अभी डाला गया है, इसमें छोटा छोटा मछली है और इसमें मारने आएंगे वही शिवू अंकल जो कि सांप को पकड़ते हैं। मिल गया। तो वीडियो होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे बने रहे। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।